फ्रेंड्स अनकेडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी तक आपने अगर मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया हुआ है, मेरे कोर्सेज नहीं देखे हुए हैं, तो फटाफट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियो की लिंक दी हुई है जो मैंने कोर्सेज बनाए हैं सीटेट यूपीटेट के अबाउट्स में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के। तो एक बार आप उन लिंक में जरूर विजिट करें। तो आज का जो टॉपिक है ये आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर है, अनएबिलिटी के ऊपर है। आपने अक्सर देख आप यूपीटेट के ये या आपका ये सीटेट या का ये और अदर एग्जामिनेशन आपको 101% इससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारा पहला टॉपिक टॉपिक जो दिया हुआ है असक्तता मतलब अनएबिलिटी। देखिए क्या होता है, कुछ छात्रों को आपने देखा होगा पढ़ने में लिखने में या बोलने में और या तो कुछ वर्तनियां जो गलत करते हैं या गणित करने में उनकी तर्क शक्ति समझने में बहुत ज्यादा वो कमजोर होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होता है, सीधा ये जो इनकी वीकनेस होती है उनके अधिगम को प्रभावित करता है, उसे हम अनएबिलिटी कहते हैं या असक्तता कहते हैं। इज दैट क्लियर कि ये है क्या, ये विकार क्या है। तो इन विकारों के बारे में आज हम यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले कहूंगा मैं, अभी तक आपने हमारा वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए आज का जो अब सेशन लेते हैं, पहला जो है अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया क्या है, अप्रैक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है, पहले आप समझना इसे, ये कैसा विकार है अप्रैक्सिया, शारीरिक विकार है यानी शरीर से संबंधित है और यहाँ पर जिसके कारण क्या होता है, जिस व्यक्ति इससे पीड़ित है उसे अपनी मांसपेशियों का संचालन करने जैसे कुछ सूक्ष्म गति कौशल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सूक्ष्म गति कौशल क्या होते हैं, तो वो होता है लिखना चलना टहलना आदि बोलना, ये कहलाते हैं आपके सूक्ष्म गति कौशल। ये बात आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर अप्रैक्सिया में क्या होता है, जो बच्चा है उसे लिखने संबंधी चलने संबंधी टहलने संबंधी आदि में वो निपुण नहीं होता है। और बता दूं इसकी क्षति कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मस्तिष्क में सेरेब्रम, ध्यान रखना इस बात का, कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में इसलिए आपको नोट डाउन करा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए जो मस्तिष्क होता है उसके सेरेब्रम में क्षति के कारण ये होता है। अप्रैक्सिया जो होता है ये एक प्रकार की डिस्प्रैक्सिया है, ध्यान रखेंगे इसका, अप्रैक्सिया क्या है, एक प्रकार की डिस्प्रैक्सिया है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल में निपुण नहीं हो पाते हैं। क्या होता है इसमें, जो व्यक्ति है उसके हाथों और आंखों के बीच में क्या होता है, संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है डिस्प्रैक्सिया जो है हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। आप देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में बना हुआ है कि जो डिस्प्रैक्सिया है ये कैसा विकार है, तो ये तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है डिस्प्रैक्सिया, ध्यान रहेगा इसका। तो ये एक प्रकार की सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है, रिमेंबर दैट इस बात को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनकर आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा। अब अगला आता है आपके सामने एलेक्सिया। तो ये क्या है, ये क्या है, किसी भी प्रकार की मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। अगर हम यहाँ देखें हो सकता है ये अंधता हो या पाठ्य अंधता हो या विजुअली अफीजिया हो, तो यहाँ पर एक प्रकार का जो एलेक्सिया है इसे हम अफीजिया भी कह सकते हैं। और साथ साथ में एक बात और बता दूं आपको, जो एलेक्सिया का एक कारण अफेजिया भी हो सकता है और डिसग्राफिया भी हो सकता है। ये दिया हुआ है डिसग्राफिया, जैसे अधिगम जो असक्तता है वो भी होना यहाँ पर संभव है, पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में हो, कुछ स्पेशल जो कंडीशन होती है वहां पर होती है। नेक्स्ट है हमारे सामने अफेजिया। अफेजिया जो है ये भाषा संप्रेषण अधिगम आसक्तता को अफीजिया कहा जाता है। अब साधारण शब्दों में मैं कहूं तो इससे पीड़ित जो छात्र होगा वो मौखिक रूप से सीखने या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने मतलब दूसरों के सामने रखने में बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं अफीजिया। मतलब अफीजिया क्या होगा, एक भाषा संप्रेषण अधिगम आसक्तता है। ये बात आप नोट डाउन करना क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये बात। आगे आपको मैं यहाँ रख लेता हूं, तो ये समानता किस कारण से होता है, जब मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर क्षति हो गई हो तब ऐसा होता है उस छात्र के साथ, और मस्तिष्क की क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से
ये अक्षमता आ जाती है तो उसे हम डिसफेजिया के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप लोग नोट डाउन करिए। तो ये बातें आपको आई थिंक क्लियर है जो मैं बता रहा हूं। तो अगला आपके सामने डिसग्राफिया, और इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो था डिसफेजिया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे डिसग्राफिया और डिसफेजिया में। तो यहां पर आप देखेंगे तो डिसग्राफिया क्या होता है, ये लिखने संबंधी एक प्रकार की कमी हम कह सकते हैं, एक असक्तता हम कह सकते हैं, उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, उसकी लिखावट ठीक ढंग से नहीं आती है। हो सकता है कि उसे लिखावट संबंधी कोई विकार हो, या हो सकता है कि उसके हाथ के कारण ऐसा हो, उसकी हथेली के कारण ऐसा हो, उसकी उंगलियां संबंधित जो गड़बड़ी हो गई हो उसके कारण ये सब कुछ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक कारण और हो सकता है कि मस्तिष्क में कुछ संबंधी गड़बड़ी के कारण भी ऐसी असक्तता होना संभव होता है। तो यहाँ पर एक बात तो पहले आप याद करिए कि डिसग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी विकार है, इसमें बच्चा ढंग से लिख नहीं पाता है और इसका कारण आपको अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास डिस्किकुलिया, ये क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको ये बता दूं, ये एक ऐसी अधिगम असक्तता है जिसमें बच्चा क्या होता है गणित में को समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करता है, उन्हें गणित समझ में नहीं आती है, साथ साथ में अंक गणित भी हम कह सकते हैं समझ में नहीं आती है। इसे इसका दूसरा नाम जो है किसका, डिस्किकुलिया का, न्यूमलेक्सिया। ये याद रखना, कई बार यहाँ पर ये वर्ड लिखकर नहीं आएगा तो उसके जगह आपको मिलेगा न्यूमलेक्सिया लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। ये जो डिस्किकुलिया है या निम्लेक्षिया जो है, ये इसके बहुत टाइप्स होते हैं। यहाँ देखिए कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में हो सकता है कि ये आपको बनकर दिखाई दे। अगला मैं आपको रख लू यहाँ पर, तो डिसमीथिया। डिसमीथिया क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, या डिसमीथिया एक गंभीर तनाव के कारण उत्पन्न विकार है हम कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इस मनोविकार में क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। इसमें इस अवस्था में जो व्यक्ति है उसका मन स्थिर सदैव निम्न रहता है, मतलब स्थिरता जो मन की होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है कहना चाहिए हमें। अगला है आपके सामने डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसका पाठन संबंधी विकार है, जिसमें क्या होता है अधिगम संबंधी में बच्चा जो होता है पढ़ने में बहुत कठिनाई का अनुभव करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, आप बी को डी पढ़ लेगा, डी को बी पढ़ लेगा, या सौ को वॉस पढ़ लेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देगा, तो ऐसा क्या होता है इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिसलेक्सिया कहेंगे। ये पाठन संबंधी विकार है, नोट डाउन करेंगे इस बात को आप। अगला क्वेश्चन रख लू आपके सामने, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है डिस्मोग्राफिया। डिस्मोग्राफिया जो दिया हुआ है तो ये क्या है, एक मनोविकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एक भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ पार्ट्स जो है औरों से अलग है, औरों से थोड़े छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो औरों से अपने शरीर के अंगों की तुलना करने लग जाता है, और ये तुलना में पाता है कि भाई वो छोटे हैं या नहीं, वो जब तुलना करेगा जब पता लगता है, पर इसका सीधा प्रभाव उसके अधिगम में पड़ जाता है। तो ये सारी जो आपके सामने मैंने रखा, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए इसके बाद हम चलते हैं। देखिए आपको पहले मैंने बताया अनेबिलिटी क्या होती है, जो भी किसी चीज को नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी अनेबिलिटी कहलाएगी, जिसमें जिस क्षेत्र में वो कमजोर रहेगा। आपकी बात की मैंने अप्रेक्सिया की, तो अप्रेक्सिया क्या था, आपका ये एक शारीरिक विकार था जिसमें मांसपेशियों का संचालन नहीं हो पा रहा था, कुछ सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं हो पा रहे थे, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना आदि। और ये किस कारण से हो रहा था, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण अप्रेक्सिया हो रहा था। इज दैट क्लियर। पॉइंट टू, यहाँ पर अलेक्सिया लेंगे हम, तो ये मस्तिष्क की क्षति के कारण था जिसे अलेक्सिया कह रहे थे, और इसमें क्या है, किसी प्रकार का विजुअल, ठीक है, यानी शब्द अंधता हो गई थी, या पाठ्य अंधता कह सकते हैं हम, या विजुअल अफेजिया भी हम इसे कह रहे थे, तो विजुअल से संबंधित था ये अलेक्सिया जो है। और इसके बाद था अफेजिया, ये भाषा संप्रेषण से संबंधित था, इसमें जो पीड़ित छात्र था वो अपने विचारों को दूसरों के सामने नहीं रख पा रहा था, बोलने में उसे कठिनाई है, ये कहना चाहिए सीधी बात में, बातचीत करने में कठिनाई है लोगों से, तो ये होता है आपका अफेजिया, यानी भाषा अधिगम असक्तता हम इसे कहेंगे। डिसग्राफिया की हम बात करें
तो लिखने संबंधी असक्तता जो होती है वो डिसग्राफिया होती है, इसमें क्या होता है उसकी लिखावट सही नहीं होती है। अगला चलू मैं आपको, तो ये अभी आपको जस्ट बताया मैंने, गणित से संबंधित है ये, इसका दूसरा नाम निम्नलक्षीय है। इसमें बच्चों को गणित समझ में नहीं आती है, आप कितनी समझा लो समझ में नहीं आएगी। और डिसमीथिया जो है गंभीर तनाव के कारण है, और डिसलेक्सिया जो है ये आपको पता है पाठन संबंधी है, इसमें बच्चा शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है। और यहाँ पर आगे हम चले तो आपको लास्ट वाला मिल जाता है जिसमें वो अपने अंगों की तुलना कर रहा था, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ अलग टॉपिक्स में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताएं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो की लिंक दी गई है, वहां पे जरूर जाएं और सारे वीडियोस देखें। साथ साथ में जो चैनल की प्लेलिस्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है उन प्लेलिस्टों में जाएं और सारे वीडियोस जरूर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि ऐसे रोजाना में वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे लाइव क्लास ज्वाइन कर सके सुबह 11 बजे रात 9 बजे। चलिए मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।